हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्लास फिफ्थ है ये हमारी जनरल मैनेजमेंट की, तो इसमें हम आज बात करेंगे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि बैलेंस शीट क्या होती है और इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसके दो पक्ष होते हैं जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसमें एक जो पक्ष रहता है इसका बाया पक्ष, ठीक है, तो बाय पक्ष में कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ होती हैं, जबकि जो दाया पक्ष होता है इसमें कंपनी के असेट्स एवं प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि असेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक, असेट्स जो होता है उसको हम बोलते हैं संपत्तियाँ या परिसंपत्ति, और जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं देनदारियाँ, जो हमें किसी को देना होता है, जो उधार है, जो कर्मचारियों का वेतन है, ठीक है, जो भी कंपनी में देनदारियां हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे लायबिलिटीज़। और असेट्स हमारा क्या होता है, असेट्स हमारा होता है संपत्ति, कंपनी की जितनी भी संपत्ति है जो भी है उन सबको हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ लायबिलिटीज़ की, तो लायबिलिटीज़ में पहले आता है शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके अंतर्गत भी दो तरह की पूंजी शामिल है, शेयर कैपिटल में दो तरह की पूंजी शामिल है, इसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटीज़ को समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं देनदारियां, जो हमें किसी को देना हो, किसी का चुकाना हो, लोन लिया हो, उधार लिया हो, वो सब हम चुकाएंगे तो उसको बोलेंगे, ठीक है, क्या देनदारियां। तो इसके अंदर जो लायबिलिटीज़ में पहला आता है शेयर कैपिटल, ये इससे क्वेश्चन आते हैं कि लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल क्या हैं या लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो क्या हो सकती हैं इनमें से, और एक इसका फॉर्मूला भी है उसको भी मैं यहाँ पे बताऊँगी कि लायबिलिटीज़ असेट्स और कैपिटल जिसको हम बोलते हैं पूंजी, ठीक है, इसको मिलाकर एक जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर मैं बताऊँगी। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो दो तरह की पूंजी शामिल हैं लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर है सिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, तो जो सिक्योर लोन्स होता है जो कंपनी लेती हैं, ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि इनमें जो लायबिलिटीज़ है वो हम कैसे चुकाएंगे। ठीक है, तो सिक्योर लोन में क्या क्या आ जाता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, बैंक लोन और मोर्टगेज लोन, ठीक है, ये इसके अंदर आते हैं, ये भी क्या है, लायबिलिटीज़ के पार्ट हैं। आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो फोर्थ पर यहाँ पर है करेंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज़ मतलब कि जो अभी करेंट में चल रही है, ठीक है, तत्काल में अगर हम किसी से उधार, जिसकी हमें उधारी चुकानी है, वो करेंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगी। ठीक है, करेंट लायबिलिटीज़ के इस मद के अंतर्गत निम्न अल्पकालीन दायित्वों को गिना जाता है। ठीक है, जैसे क्रेडिटर, यहाँ पे ये जो है आपका, ये है बिल पेबल। ठीक है, B/Y का यहाँ पर मतलब होता है बिल पेबल, ये आपको याद रखना है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म जो रहते हैं उनके फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, तो B/P को हम बोलते हैं बिल पेबल, जो हमें बिल चुकाना है। ठीक है, और क्रेडिटर जिससे हमने मतलब लिया है, तो जिसका हमें जो भी अमाउंट देना है। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम वगैरह, ये सारे किस में आते हैं, करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि करेंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन से टर्म आते हैं, तो ये आपको ये टर्म याद रखने हैं कि ये सारे करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब से ही क्वेश्चन आते हैं, अकाउंटिंग से, ठीक है, HR से, मार्केटिंग, सेल्स, और इन्हीं सब के आपके पूरे मैनेजमेंट से टॉपिक आएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे अब प्रोविजंस की, मतलब प्रावधान क्या है इसके लायबिलिटीज़ के। तो अगर बात करें देनदारियों के प्रावधान की, तो इसमें है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स। अब हम यहाँ पर जो है दाएं पक्ष अर्थात असेट के आने वाले मदों के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो लायबिलिटीज़ हैं, देनदारियाँ हैं, वो हम किस साइड रखते हैं, तो लेफ्ट में। अब राइट में हम क्या रखेंगे, बैलेंस शीट के राइट में असेट्स को। तो असेट्स क्या क्या होते हैं, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर है असेट्स के बारे में, तो फर्स्ट यहाँ पर है फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, तो बेसंपत्ति जिनके बार बार परिवर्तन नहीं होता है उन्हें फिक्स्ड असेट्स या स्थायी संपत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्थायी संपत्ति या फिक्स्ड असेट्स कौन से होते हैं, जिनके नाम में मतलब जिनमें बार बार परिवर्तन नहीं होता है जिन संपत्तियों में, जैसे आपने लैंड खरीदा। ठीक है, जैसे यहाँ ये हैं एग्जांपल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो ये आप बार बार थोड़ी खरीदते हैं, मशीन लैंड आप एक बार खरीद लोगे, बिल्डिंग एक बार खरीद लोगे, बना लोगे और फिर उसमें प्लांट लगा दोगे, तो
ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, स्थाई संपत्ति के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको इनके भी एग्जांपल याद रखने हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि जो फिक्स्ड असेट्स हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से जो एग्जांपल हैं वो उसके हैं, फिक्स्ड असेट्स के एग्जांपल तो ये आपको बताने पड़ेंगे, और कौन सा नहीं है तो आपको उसमें से देखना पड़ेगा, ठीक। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर है करेंट असेट्स। अब करेंट असेट्स क्या होते हैं, तो करेंट असेट्स में परिवर्तन अक्सर होता रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कार्यशील संपत्ति, जिसमें आ जाता है आपका कैश जो है वो आपकी कार्यशील पूंजी है क्योंकि, तो इसको करेंट असेट में रखेंगे। जैसे बैंक वगैरह जो है वो करेंट असेट्स में आते हैं, डेबिटर्स, और यहाँ पे है B/R। अभी जो लाइबिलिटीज थी उसमें B/P था, यानी बिल पेबल, और यहाँ पर क्या है बिल, यहाँ पर आपका बिल रिसिप्ट है, ठीक है, बिल रिसिप्ट, यहाँ पे बिल पेबल था और यहाँ पे बिल रिसिप्ट है, रिसीपेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे क्या हैं आपके करेंट लाइबिलिटीज, सॉरी करेंट असेट्स हैं ये आपके, ठीक है। करेंट असेट्स यानी कि आपका क्या हुआ, कार्यशील संपत्तियाँ जो हैं, इसमें आपका स्टॉक आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा, एक्रूड इनकम आ जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं अगर हम बात करें तो, ये सारे आपके आएंगे करेंट असेट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं सारे टर्म। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो है कैपिटल के बारे में। उससे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि मध्य प्रदेश के जो आपका व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है, इसके जनरल मैनेजमेंट के 300 MCQ जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर वगैरह में आए हैं उनका कलेक्शन आपको इसकी ई बुक, ठीक है, ई बुक सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, अगर आप लोग ये परचेज़ करना चाहते हैं तो ये ले लीजिए। 300 इसमें क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ेंगे तो 300 क्वेश्चन है इसमें जनरल मैनेजमेंट के जो अभी तक आए हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हिंट मिल जाएगी कि लेबर इंस्पेक्टर वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपके अपकमिंग एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन के रिपीट होने और इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। इसमें ये इसका MRP 30 rupees है, और अभी इसमें डिस्काउंट है, ठीक है, 50% डिस्काउंट आपको अभी इसमें मिलेगा, तो 15 rupees में आपको अवेलेबल रहेगी। और ये आपको 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर तक ये डिस्काउंट ऑफर है 50%। तो आप लोग जल्दी से जाकर ले लें और पूरे क्वेश्चन को लगाएं और देखें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में ये अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें कि अब कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल अब हम यहाँ पर जानेंगे, तो कैपिटल के बारे में और हम जानें कि कैपिटल क्या है। तो कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी, ठीक है। तो उस धनराशि को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है, ठीक है। इस राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। जब भी कोई बिजनेस शुरू करना हो तो लोग बोलते हैं कि कैपिटल, हमारे पास पूंजी नहीं है उसमें लगाने, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल, मतलब पूंजी, कि जब व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसे हम जितनी लागत लगाते हैं उसको शुरू करने में, वो हमारी क्या हो जाएगी, पूंजी। पूंजी को दो भागों में विभाजित किया गया, दो पार्ट में, स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी मतलब करेंट कैपिटल हो जाएगा, और स्थिर पूंजी हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड या कांस्टेंट, स्थिर को कांस्टेंट या फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, स्थिर पूंजी फिक्स्ड या कांस्टेंट कैपिटल, और कार्यशील पूंजी करेंट कैपिटल। यहाँ पर अब हम बात करें अगर स्थिर पूंजी की, तो संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लगाई जाती है वह स्थित पूंजी कहलाती है, जैसे मशीनरी तथा संयंत्र का कार्य, भूमि तथा भवन का किराए। दो भूमि और भवन का जो मतलब किराए है, आपने खरीदी है या आपने कोई मशीनरी वगैरह खरीदी है, ये आपकी किस में आ जाएंगी, स्थिर पूंजी में, आपकी असेट्स की तरह हैं, ठीक है। असेट्स भी एक टाइप से पूंजी ही है, ठीक है, स्थाई। यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये आपके इसके एग्जांपल हैं, ये पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसी से आया था कि जो है मशीनरी और जो मशीन एवं संयंत्र का किराए आपका कौन सी पूंजी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, स्थिर पूंजी के या कार्यशील पूंजी के या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है, स्थिर पूंजी। ये आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करें अगर कार्यशील पूंजी की, तो पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है वो कार्यशील पूंजी कहलाती है, ठीक है। तो जो व्यवसाय में हम दैनिक कार्यों में खर्च करते हैं उसको हम इसमें कार्यशील पूंजी कहलाएगी वो हमारी, ठीक है।
तो अब यहाँ पर एक ये जो फॉर्मूला है ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछा गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें है कार्यशील पूंजी इक्वल चालू संपत्तियाँ माइनस चालू दायित्व, यानी कि कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, करेंट जो हमारी होगी, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं करेंट कैपिटल, ठीक है। करेंट कैपिटल इक्वल हमारा होता है करेंट असेट्स, करेंट असेट्स मतलब चालू संपत्तियां माइनस करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि करेंट कैपिटल इक्वल होता है करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और सिंपल अगर बोलें तो कैपिटल इक्वल होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि कैपिटल जो होती है हमारी पूंजी, वो क्या है, जितनी हमारी संपत्तियां हैं उसमें से जो देनदारियां हैं उसको अगर हम निकाल दें तो वो हमारी कैपिटल कहलाएगी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो कार्यशील पूंजी या करेंट पूंजी की बात करें अगर, तो ये फॉर्मूला आपका इसमें आएगा, और बाकी सिंपल आपका ये फॉर्मूला है। तो इतना आपको याद रखना है, और नेक्स्ट हम दूसरे टॉपिक देखेंगे, और आगे हम नए टॉपिक देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से पूछे जा सकेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।